नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। तेलंगाना और हैदराबाद में गौरक्षकों पर हुए हमले पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराजगी। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा के बाद अब तेलंगाना के करमन घाट, हैदराबाद में दिलसुख नगर में मंदिर में घुसकर गौरक्षकों पर हुए जानलेवा हमले पर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। विहिप ने बयान जारी कर कहा कि इस्लामिक जिहादियों को हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। विहिप के केंद्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा कि गौरक्षा व धर्म रक्षा हेतु समर्पित हिंदुओं की नृशंस हत्या करने वालों व उनको समर्थन व सहयोग देकर हिंदुओं को डराने वालों को समझना होगा कि यदि वे बाज नहीं आए तो हिंदू युवक विरोध जताएंगे। आइए सुनते हैं विहिप के केंद्रीय महासचिव श्री मिलिंद परांडे ने क्या कहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता जो हमले शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर हुए, जिस हमले में उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, और तेलंगाना में गोरक्षक के ऊपर जो हमले हुए जिसमें वो जख्मी हो गए, इन दोनों हमलों की हम निंदा करते हैं। इन परिवारों के प्रति जो जख्मी हुए और जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके सहयोग का संकल्प भी व्यक्त करते हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए आज कार्रवाई कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हिंदुओं के ऊपर एक्शन लेने के जगह पर तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकार ने इस्लामिक जिहादियों के विरुद्ध एक्शन लेनी चाहिए, जो न करने से इस्लामिक जिहादियों को ही प्रोत्साहन मिलेगा और इस्लामिक जिहादी हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा न करे, क्योंकि हिंदू समाज यह इस्लामिक जिहादियों को निश्चित रूप से सबक सिखाएगा। केरल में पुलिस अफसर करता था संघ कार्यकर्ताओं की जानकारी पीएफआई को लीक। केरल के पुलिस अधिकारी अनस को संघ कार्यकर्ताओं के बारे में आधिकारिक जानकारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को लीक करने के आरोप में निकाल दिया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की राजनीतिक विंग है। अनस पी के करीब मन्नूर पुलिस स्टेशन में तैनात था। अनस पी के ने पुलिस डेटाबेस में मौजूद करीब 200 आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की निजी जानकारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को दी। पुलिस को जांच में एक आरोपी के फोन से पता चला कि अनस पुलिस डेटाबेस से आरएसएस कार्यकर्ताओं की जानकारी निकालकर एसडीपीआई को लीक कर रहा है। कानपुर में बलिदानियों के स्वजनों को दिया गया सम्मान। 54 यूपी बटालियन एनसीसी के सैन्य अधिकारियों की ओर से कानपुर के सिविल लाइन्स में आजादी का अमृत महोत्सव व बलिदानियों को शत शत नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 54 यूपी बटालियन एनसीसी के अधिकारियों ने जिले के 17 बलिदानियों के स्वजनों को सम्मानित किया। इस दौरान सम्मान पाकर स्वजन भावुक नजर आए। डीएवी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। वही कैप्टन डॉक्टर सुनीत अवस्थी ने बलिदानियों की याद में एक कविता प्रस्तुत की। 5,000 करोड़ से होगा ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का विकास। मथुरा ब्रिज 84 कोस का सड़क परिवहन मंत्रालय कायाकल्प करेगा, जहां परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए नए कार्य होंगे। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा कुल 256 किलोमीटर लंबी है। इस परिक्रमा का 175 किलोमीटर विस्तार उत्तर प्रदेश में, 65 किलोमीटर का विस्तार राजस्थान में और 25 किलोमीटर का विस्तार हरियाणा प्रदेश की सीमा में है। इस परिक्रमा के 24 पड़ाव है। परिक्रमा मार्ग का अपना प्राचीन धार्मिक महत्व होते हुए भी वर्तमान में यह परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से अव्यवस्थित है। परिक्रमा करने वाले यात्रियों को भी खासी परेशानी होती है, लेकिन अब इस मार्ग का कायाकल्प होगा, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मार्च माह के बाद इस परियोजना पर काम प्रारंभ होगा। 55 वर्षीय जवान के हाई जोश ने जीता दिल, लोगों ने किया सल्यूट। 1, 2, 3 इंडो तिब्बत पुलिस के एक 55 वर्षीय जवान का हाई जोश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। यह क्लिप आईटीबीपी ने ट्विटर पर शेयर की और लिखा, बर्फीली चोटी पर पुशअप्स। आईटीबीपी कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने लद्दाख में समुद्र तल से 17,500 फीट की ऊंचाई पर एक बार में 60 से अधिक पुशअप्स किए। इस दौरान वहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। इस्लाम में नाजायज है ई श्रम कार्ड बनवाना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दारुल उलूम का फतवा। ई श्रम कार्ड बनवाने को लेकर देवबंद के दारुल उलूम का एक फतवा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि अगर इसमें बीमा पॉलिसी और सूद शामिल है तो इसका इस्तेमाल करना नाजायज है। सरकार अपने खर्च से कार्ड बनवा कर दे रही है तो इसके इस्तेमाल में कुछ गुंजाइश है।
दारुल इफ्ता विभाग के मुफ्ती कराम ने कहा कि ई श्रम कार्ड बनवाने में अगर बीमा पॉलिसी शामिल है तो यह हराम है, क्योंकि पॉलिसी में सूद एवं जुए का मिश्रण होता है, जिसके चलते इसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। चौथे चरण में 61.65% मतदान, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी आगे पीछे रह गया उन्नाव। गोरखपुर जिले के कौड़िया गांव में जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी के साथ अभद्रता, लाठी डंडे लेकर लोगों ने रोका रास्ता। घाटमपुर में संघ प्रचारक पर हुए हमले मामले में 3 आरोपित गिरफ्तार। उज्जैन में स्वयंसेवक ने बनाई 5 दिवंगत सरसंघ चालक की मनमोहक रंगोली। महाशिवरात्रि पर कांवड़ियों को विशेष सुविधा देगी यूपी रोडवेज, हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों की होगी व्यवस्था। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में मेरठ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च, सरकार से की आरोपियों को फांसी दी जाने की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।